फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आप मेरे जैसे जो है चैनल आर्ट बना सकते हैं, अपना जो है थंबनेल बना सकते हैं अच्छा सा अट्रैक्टिव सा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने अपने जो है इंस्टाग्राम पे अपने कुछ जो है थंबनेल शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से जो है मेरे थंबनेल दिखते हैं और कैसे मैं इनको क्रिएट करता हूँ, किस एप्लीकेशन से करता हूँ। तो मैं आपको जो है अभी दिखा देता हूँ बना के। सिर्फ 2 मिनट में आप जो अपना एक बेहतरीन सा थंबनेल आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कैसे मैं अपने जो है थंबनेल क्रिएट करता हूँ। चैनल आर्ट भी आप बना सकते हैं जैसे मैंने अभी बनाया है। आप देख सकते हो मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगी अपने चैनल आर्ट या थंबनेल बनाने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जिस किसी ने अभी तक हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। तो मैं आपको कुछ थंबनेल यहाँ पे भी दिखा देता हूँ जैसे मैंने थंबनेल बनाए हैं। तो मैं एक थंबनेल कैसे क्रिएट करता हूँ, कैसे चैनल आर्ट बनाता हूँ। तो आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेगी अपना चैनल और थंबनेल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं जो है अपने होम पेज पे चला जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो है एक पिक्सल ऐप जो है आपको डाउनलोड करने पड़ेगी। वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका जो है कुछ स्टार्टिंग में पिक्सल लैब ऐसे खुलता है, इसका जो होम पेज है ये है। तो आप यहाँ से सबसे पहले जैसे आपको थंबनेल क्रिएट करना है, तो थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है सिंपली। आप यहाँ से इमेज साइज देख सकते हो आपके थंबनेल का जो है, या फिर आपके चैनल आर्ट का जो साइज़ है वो कितना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो आप प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो, यूट्यूब का बैनर बना सकते हो, थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, यहाँ से कुछ आपको जो है वेज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सिंपली यूट्यूब थंबनेल आप क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे आप उसका विड्थ और हाइट आपको साइज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या फिर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई और कलर यहाँ पे दूसरा कलर लेना है, तो आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके और ओके कर दीजिए सिंपली। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे कुछ लिखना है, आपको टेक्स्ट में कुछ लिखना है अपने चैनल का नाम। जैसे मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और मेरे चैनल का नाम है जैसे टेक्निकल देव। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए, बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है, और इससे आप जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं बड़ा छोटा कैसे भी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्टाइल दिख जाएगा। स्टाइल में आपको जो है ब्राउज में जाना है। ब्राउज में आपको जो है बहुत सारे आपको जो इसके सैंपल्स है या स्टाइल्स है आप यहाँ से जो है ले सकते हैं और अट्रैक्टिव साइज को बना सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं फॉन्ट साइज़ वगैरह, आप यहाँ से इसका जो है साइज़ का बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से बनाना है जो ये काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगे आपका। और आप जो है इसका फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो आप कोई भी फॉन्ट यहाँ से इसका ले सकते हैं। जैसे मैं ये रखता हूँ तो आपको ये रख लेना है। बैकग्राउंड भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं अगर बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं। इसका स्पेसिंग वगैरह, अगर आपको स्पेसिंग करना है वर्ड्स में तो आप स्पेसिंग ऐसे कर सकते हो और इसको यहाँ सिंपली आपको डन कर देना है। उसके बाद स्ट्रोक वगैरह आपको लगाना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी स्ट्रोक, यहाँ से मैं रेड कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो दिखने में अच्छा लगता है। इनर शेडो भी आप ले सकते हैं। इनर शेडो में आप कोई भी कलर, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक वाला कलर और आप इसको अच्छे से जो है एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। और एम्बोस में आप इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव और चमकीला बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको अपने हिसाब से आराम से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 3D शैडो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, नीचे आपको इसकी जो है परछाई दिखेगी। और उसके बाद आप रिफ्लेक्ट वाला भी ऑप्शन लगा सकते हैं अगर रिफ्लेक्ट आपको करना है। मुझे नहीं करना है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको जो अच्छी चीज़ यहाँ से लगती है, अपना स्टाइल्स, फॉन्ट्स वगैरह, कलर एडजस्टमेंट, स्ट्रोक, शैडो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जैसे मुझे यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, मुझे और कुछ लिखना है इसके बारे में, तो आपको सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। फॉर्म गैलरी में आपको जाना है, अपनी फ़ोटो वगैरह जो है मैं यहाँ से कुछ, जैसे मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ अपनी एक पिक और इसको सिंपली मैं यहाँ से जो है डन कर देता हूँ। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डन कर लेनी है और इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेना है आपको।
और आप कैसे भी इसको जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर जो है कुछ स्ट्रोक वगैरह लगाना है या फिर आपको इस पर और ज़्यादा शेडो वगैरह कुछ लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ऐसे इसे मैंने लगा दिया और ओके कर देना है। आप कैसे भी कलर वगैरह आप इनर शेडो लगाना चाहते हैं तो आप इनर शेडो भी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है। सिंपली आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो अपनी हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ टेक ट्रिक एंड रिव्यू। आप जो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको स्टाइल में जाना है। कोई भी स्टाइल आप यहाँ से जो है लगा सकते हैं और अपने हिसाब से अपना जो है चैनल आर्ट या फिर अपना थंबनेल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है फ़ॉन्ट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। फ़ॉन्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट के आपको यहाँ से बहुत से आपको सैंपल मिल जाएंगे। आप ऐसे अच्छा सा एक जो है, उसके बाद आप शेडो लगा दीजिए इसके बाद, तो बस इसको थोड़ा एडजस्ट अपना आराम से देख के यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है जैसे मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ करके, और आपको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आराम से और इसे ओके कर देना है। ऐसा आपको अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है जो दूसरों को अच्छा लगे, तो मैं यहाँ से ऐसे इसको ओके कर देता हूँ। और अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा लिखना है इसके बारे में या कुछ भी आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको जो है अपने हिसाब से सारी चीज़ें, ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट, आप यहाँ से जो है विंटेज आपका जो है साइड में थोड़ा सा ये ऐसा दिखेगा, और या फिर अगर इसको आप नहीं रखना चाहते, कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। एरो वगैरह लगाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स देखा आपने, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड वगैरह पे जो आपको लेने हैं। स्टिकर्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैं शेप्स वगैरह ले सकता हूँ, तो मुझे शेप्स वगैरह नहीं लेनी है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको जैसे सिंपली आपको सेव करना है तो सेव में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन है सेव करने के लिए। आपको सेव प्रोजेक्ट, अगर आपको अगेन इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कुछ भी इसको नाम देके आप प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं और ओके कर देना है आपको। उसके बाद अगर आपको ये इमेज बस सेव करके रखनी है तो आपको सबसे, मैं एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ, अगर आपको HD में करना है तो आपको यहाँ कस्टम जो है लिखा हुआ है तो आपको कस्टम पे क्लिक करना है और अल्ट्रा पे क्लिक करना है। अल्ट्रा पे आपको ये HD में दिखेगा और काफ़ी जो है बेहतरीन लगेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ से इसको जो है सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप इसको अपने जो है YouTube चैनल पे या कहीं भी अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। कहीं भी किसी के पास भी शेयर करना चाहें आप तो शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ से लाइन वगैरह ले सकते हैं, इस तरीके का आप बना सकते हैं पार्ट वाइज। ये आपका लेयर ऑप्शन होता है कि किसी भी लेयर में आपको हाइड करनी है, शो करनी है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और प्लस पे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें यहाँ से इंक्लूड होगी, ऐड होगी। यहाँ से डेट वगैरह आपको लेनी है, शेप्स लेनी है, गैली से कुछ भी फ़ोटो वगैरह आपको लेना है, ड्रॉज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको किसी पार्ट में कोई बात आपको समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। जिस पार्ट के बारे में आपको नहीं पता चला या जो पार्ट आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने वीडियो के थंबनेल पे आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ऐप है, काफ़ी अगर आप एक दो बार ट्राई करोगे तो आपका अच्छा थंबनेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ सिंपली आप डिलीट कर सकते हो, कुछ भी अपना आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कुछ मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स है, मैं वो एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट है एक, तो आप देख सकते हो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको आप बाद में भी एडजस्ट कहीं भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।